व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज, इसका सिक्स्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के क्या कारण होते हैं। हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा कि पॉवर्टी किस तरीके से नेशनली या इंटरनेशनली किस तरीके से वो इंक्रीज हुई थी, किस तरीके से डिक्रीज होती जा रही है। जो हमने सिनेरियो पढ़ा वो सब चीजें देखी। इंडिया के अंदर जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो डाउन होता जा रहा है। बट आज हम लोग पढ़ेंगे कि कारण क्या है, कॉजेस पॉवर्टी के क्या है। देखिए, फर्स्ट क्या है, बैड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर हम देखेंगे कि फर्स्ट कॉज जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बैड पॉलिसीज। ठीक है, देखिए, कॉलोनियलिज्म के टाइम पर ब्रिटिशर्स की बैड पॉलिसीज की वजह से जो इन्वेस्टर सेक्टर था वो डेवलप नहीं हो पाया इस वजह से। और उन्होंने कभी भी हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस को, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स को एनकरेज नहीं किया। इस वजह से जो हमारी पॉवर्टी थी वो इंक्रीज हुई। ठीक है, उन्होंने कभी भी किसी चीज को, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को भी उन्होंने एनकरेज नहीं किया। लेस जॉब अपॉर्चुनिटी और लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम की वजह से जो इंडिया है उसको पॉवर्टी का सामना करना पड़ा। राइट, सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। राइट, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन के अंदर क्या है कि इरिगेशन और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, उस वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बड़ी हैं, लेकिन ह्यूज पॉपुलेशन की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों मिलकर भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को खत्म नहीं कर पाए हैं। इसलिए जॉब्स ना होने की वजह से इंडिया के कुछ लोग जो एक्सपेंसिव हाउसिंग में रहते थे उसे छोड़कर स्लम्स में रहने लगे हैं। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं हाई इनकम इनइक्वालिटी के अंदर इंडिया के जो सभी लोग हैं वहां उनको लैंड और अदर रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई हैं। इसलिए इंडियन पॉपुलेशन इनकम इनइक्वालिटीज का सामना कर रही है, जहां अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। ये तो था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आता है सिचुएशन ऑफ इनडेप्टनेस। स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं उनके पास एग्रीकल्चर इनपुट्स के, जो इनपुट्स होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, उनको परचेज करने के पैसे नहीं होते। वो क्या करते हैं, लार्ज फार्मर से, जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनसे मनी बोरो करते हैं, और ये मनी इतनी होती है कि उनकी पूरी जिंदगी इस लोन को पे करने में चली जाती है। इस सिचुएशन को इनडेप्टनेस बोला जाता है, कि वो अपनी सिचुएशन उनकी ऐसी होती है कि वो गरीबी में ही रह जाते हैं, वो लोन पे नहीं कर पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट पर चलते हैं, सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें हम क्या बात करेंगे कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर सभी लोग मैरिज पर खर्च करते हैं, सभी लोग फेस्टिवल्स पर, कोई फंक्शन आ जाता है तो उस पर खर्च करते हैं। रिच पर्सन तो दूर की बात है, रिच पर्सन तो करते ही हैं खर्च, बट जो पुअर होते हैं वो भी लोगों से बोरो कर इस फेस्टिवल्स पर, इन मैरिजेस पर मनी स्पेंड करते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर इन सब चीजों का प्रेशर होता है। ठीक है, अगर पर्सन के पास मनी नहीं है बट उसे दिखावे के लिए मनी स्पेंड करनी पड़ेगी। तो ये हमारे मेन कॉजेस थे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, पॉवर्टी के कॉजेस। राइट,
तो ये सब चीजों के बारे में हमारी गवर्नमेंट को भी पता है, इंडियन गवर्नमेंट को इन सब चीजों के बारे में पता है, बट वो सही स्टेप, एक सही रास्ता नहीं अपना पा रही है। देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि पावर्टी को ओवरकम करने के हमारे पास क्या मेजरमेंट है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर, आज हमने पढ़ा कि कारण क्या है, गरीबी के कारण क्या है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि किस तरीके से गरीबी को दूर किया जा सकता है, आप और मैं किस तरीके से इसे दूर करने के लिए स्टेप उठा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलने के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे। मिलने के लिए इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिएगा, सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे, बट रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन प्लीज दबाइएगा। इससे क्या होगा कि आप और मैं कनेक्ट रहेंगे, मेरी वीडियोस आप तक आती रहेंगी और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी मैं वीडियोस डालूंगी। थैंक यू, जल्दी मिलेंगे, सी यू सून, बाय बाय।